टिप्स टू इनहस ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी यानी जो आपका अदारा है उसके अंदर क्रिएटिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है कैसे आ, अदाराती तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम लोगों को इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बना सकते हैं ताकि ये सिर्फ कुछ एक दो लोगों का सिर्फ काम या एंट्रपनी का ही काम ना हो क्रिएटिविटी uh, करना बल्कि ऑर्गेनाइजेशन इट्स क्रिएटिव रोल प्ले करे तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो और कलेक्टिवली लोग क्रिएटिव होने की कोशिश करें क्रिएटिविटी को स्पर करें तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा इम्प्रूवड क्रिएटिविटी हम हासिल uh, कर सकेंगे क्रिएटिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशनल uh, लेवल पे होगी वो ज़्यादा इन्हेंसिंग होगी टुवर्ड्स इनोवेशन कैसे इन्हेंस uh, की जा सकती है इंक्लूड क्रिएटिविटी एज ए कोर कंपनी वैल्यू जो कंपनी वैल्यूज़ हैं जो आपका uh, एक मिशन स्टेटमेंट है uh, जो आपका गोल है और जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं कि आप आ, आ, क्या चीज़ क्या चीज़ें हैं जिसको आप अहमियत देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनमें क्रिएटिविटी शुड आल्सो गेट ए प्लेस कि हम क्रिएटिव लोग हैं हम क्रिएटिविटी पे बेस करते हैं हम क्रिएटिविटी के ज़रिए इनोवेट करते हैं उसे क्या होगा कस्टमर्स को भी पता होगा आपकी जो पब्लिक है उसको भी पता होगा आपकी जो एम्प्लॉइज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी पता होगा कि ये हमारे जो बुनियादी मकासद हैं क्रिएटिविटी इज़ वन ऑफ दम एम्ब्रेस डिवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब है मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से जो लोग हैं मुख्तलिफ आ, जो आपके एम्प्लॉज हैं वो आ, आप इस चीज़ को इनक्रेज करें कि उनकी डिफरेंट बैकग्राउंडस हों मसला दुड नॉट बी ऑल बी मेल मेल भी हैं फीमेल भी हैं दैट इज़ ए डाइवर्सिटी फिर वो मुख्तलिफ uh, एक ही जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं जिस जगह आपका ऑफिस है सारे ही वहाँ से हैं सारे ही एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं सारे ही एक इंस्टीट्यूशन से हैं और उसके बरक्स आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन मुख्तलिफ सिटीज़ और अगर आ, ये आ, जैसे वेस्ट में हम देखते हैं बहुत सारी कॉस्मोपोलिटन सिटीज़ हैं जिसमें मुख्तल नेशनलिटीज़ मुख्तलिफ़ रेसिस आ, से लोग हैं तो ये, ये सारी जो चीज़ें हैं दे दे आर बेसिकली डाइवर्सटी डाइवर्सिटी से क्या होता है कि वो लोग जो कि मुख्तफ़ बैकग्राउंड से होते हैं उसी प्रॉब्लम को उसी अपॉरचुनिटी को उसी चैलेंज को मुख्तल हवालों से देखते हैं जब मुख्त हवालों से देखेंगे दैन दे क्व है मोर क्रिएटिव आइडियाज़ एक्सपेक्ट क्रिएटिविटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेक्ट करें लोगों से कि वो क्रिएटिवली सोचें नए आइडियाज़ लाएँ नए आइडियाज़ डिस्कस करें और जो क्रिएटिव हो जो क्रिएटिव आइडिया लाए उसको आप रिवाड दें उसको इनाम दें उसको इंसेंटिवाइज करें ताकि एनकरेज हो एक क्रिएटिव कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन देन मॉडल द क्रिएटिव बिहेवियर जो जैसे uh, जैसे आप कहते हैं कि एम्प्लॉ ऑफ द मंथ हाँ, तो यू कैन से द मोस्ट क्रिएटिव एम्प्लॉय ऑफ दिस ईयर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्ट एंड टॉलरेट फेलियर जब आप क्रिएटिव आइडिया किसी का है उसको कोई प्रोटोटाइप करें या उसको उसके ऊपर अमल करें तो ये आप जहन में रखें कि ये फेलियर हो सकती है और उस फेलियर की वजह से उसको डिस्करेजमेंट नहीं होनी चाहिए रादर एनकरेज क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आप जैसे हमने कहा इंसेंटिव देके और उनको पुश करके आप एक क्रिएटिव कल्चर जो है उसको इनक्रेज करें क्रिएट ए चेंज ऑफ सीनरी पेडिकली ये कहा जाता है कि अगर आप लोकेशन चेंज करें इन्वामेंट चेंज करें तो ये आपके बिकॉज क्रिएटिविटी कहाँ से होनी है क्रिएटिविटी ब्रेन से होनी है तो अगर आप ब्रेन को एक सूदिंग इन्वामेंट दें एक बड़ा सीनिक इन्वामेंट दें एक बड़ा खुशकुन इन्वायमेंट दें तो उससे तब्दीली आती है इवन uh, समाइम्स The organizations, they have their meetings uh, out of city, maybe in the mountains, maybe on the beaches, uh, in order that the people uh, have in a very nice environment, which helps them uh, in in uh, thinking in a creative manner. Talk with the customers. Ultimately, uh, uh, okay, end users, uh, जब आप उनसे बात करें तो वो भी आपको एक बेहतर आइडिया नया आइडिया नए ख्याल की तरफ ले जा सकते हैं लुक फॉर यूजेस फॉर योर कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अदर मार्केट्स दूसरी नई मार्केट्स, इन्हीं प्रोडक्ट्स की और मार्केट्स की तरफ ले जाना ब्लम्स एज चैलेंज प्रॉब्लम्स एक नेगेटिव कॉनोटेशन है कि मसला आ गया जी बड़ी डिफिकल्टी है तो ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी के लिए प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं बल्कि सिर्फ चैलेंज समझा जाता है कि इज अ न्यू चैलेंज लेट्स टैकल इट आउट आए इसका मिलकर कोई सोलूशन ढूंढते हैं देन देर आर क्रिएटिव ट्रेनिंग्स एज वेल आप कोई वर्कशॉप्स खुद से अरेंज कर सकते हैं जो कोई वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग सेशंस किसी जगह हो रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयिज़ को फाइनेंस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अटेंड दोज वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेशंस। किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए दैट इज़ आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट फॉर द क्रिएटिविटी देन डिवेलप ए प्रोसीजर फॉर कैप्चरिंग आइडियाज़ क्योंकि वो जो मुख्तलिफ़ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं वो क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो ज़ाया ना हों और वो जो ख्याल हैं और जो जो थाट्स हैं वो प्रॉपरली किसी जगह पर कैप्चर हों रिकॉर्ड हों लिखे जाएँ सो देट उन में से फिर सेलेक्ट करके जो बेहतर लगे, उन आइडियाज़ पे काम हो सके बिकॉज़ अगर सिर्फ आइडियाज़ आ रहे हैं डिस्कस हो रहे हैं और वेस्ट हो रहे हैं तो फिर ये सारा जो प्रोसीजर है और ये सारा जो इन्वामेंट है वो उस तरह से यूजफुल नहीं हो सकेगा इसलिए एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड दोज आइडियाज़